सो गाइस, आज मैं बात करने जा रही हूँ व्हीट प्योर के बारे में। ये पुराने वाले व्हीट से बहुत डिफरेंट है। इसमें जो पुराने व्हीट में जो कमियाँ थी वो इसमें दूर की गई हैं, रेनोवेट किया गया है इस प्रोडक्ट को। और मैं बताऊँगी कि क्या चेंजेस आए हैं पहले वाले से, ये अच्छा है या बुरा, इसको परचेज करना चाहिए कि नहीं, और इसको यूज़ करके दिखाऊँगी। सो वीडियो के एंड तक बने रहें। हे गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं श्रुति मिश्रा, आपका स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल पे। सो गाइस, आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूं ये है न्यू व्हीट प्योर, जो कि गाइस प्योर एक रेंज लॉन्च करी गई है व्हीट के द्वारा, जिसमें आपको तीन वेरिएंट मिल जाएंगे अलग अलग स्किन टाइप के लिए। इसमें आपको स्ट्रिप्स भी मिल जाएंगी। खास बात यह है कि इसमें आपको वो पुरानी वाली गंदी सी स्मेल जो हेयर रिमूवल क्रीम से यूजली आती है और पुराने वाले व्हीट से आती थी, वो भी अब ये नहीं है। इसमें आपको इसमें बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस मिलेगी, लॉन्ग लास्टिंग स्मूथनेस मिलेगी। ये एक हेयर रिमूवल क्रीम है जो कि बालों को, अनवांटेड हेयर्स को रिमूव करती है। ये जो मेरे पास वेरियंट है ये नॉर्मल स्किन के लिए है। इसमें आपको कुकुम्बर स्ट्रैक्ट मिलते हैं एंड ये बॉडी एंड लेग पे वर्क करती है। ये क्रीम इजीली अवेलेबल है नायका, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, सब जगह, और मैंने तो इसको ब्लिंकिट से परचेज की, जिसको हम ग्रोफर के नाम से जानते हैं। गाइज, आप देख सकते हैं कि मेरे पास इसका सबसे स्मॉलेस्ट पैकेजिंग है, ये 30 ग्राम का आता है। और इसका प्राइस जो है गाइज, आपको मिल जाएगा ये 89 रुपीज में, आफ्टर डिस्काउंट आपको 80 रुपीज तक का मिल जाएगा। अगर बात करें इंग्रीडियंट के बारे में, तो इंग्रीडियंट इसका स्नैप आपको स्क्रीन में मिल जाएगा, आप पॉज करके चेक कर सकते हैं। वैसे तो ये कोई हर्बल इंग्रीडियंट से बना हुआ प्रोडक्ट नहीं, इसमें केमिकल्स हैं, लेकिन इसमें अमोनिया नहीं है और पैराबेन नहीं है। सो गाइस, ये जो है पैकिंग, इससे आपको शायद एक छोटी 30 रुपए वाली भी मिल जाएगी, वो धीरे धीरे मार्केट में आने लगेगी, तो आप लोकल स्टोर से ले सकते हो। पैकेजिंग आप देख सकते हो नॉर्मल कार्डबोर्ड बॉक्स की तरीके, जैसे पुराना पैकिंग था सेम एज इट इज है। अंदर आपको सिमिलर ट्यूब मिल जाता है और बिल्कुल सिमिलर पैकिंग है और कुछ खास डिफरेंस नहीं किया गया है। ट्यूब में भी आपको पूरी प्रोडक्ट की डिटेल मिल जाएगी जैसे पहले मिल जाती थी। ये जो क्रीम है आप इसको लेग, हैंड और बॉडी में यूज़ कर सकते हैं, अंडर आर्म्स में यूज़ कर सकते हैं, बिकनी एरिया में यूज़ कर सकते हैं। सो गाइज, अगर मैं बात करूँ कंसिस्टेंसी के बारे में, तो आप ये देख सकते हो क्रीम, अभी इसमें सील भी आती है। फर्स्ट टाइम यूज़ करो तो सील आपको इसकी ओपन करनी पड़ेगी, और क्रीम की जो कंसिस्टेंसी है पुरानी ही क्रीम की तरीके एज इट इज़ है। और स्पैचुला आपको इस तरीके का प्लास्टिक का मिल जाता है। चलिए अब मैं इसको यूज़ करके दिखाती हूँ। तो फर्स्ट मैंने अपने हैंड को बहुत अच्छे से क्लीन कर लिया है, और मैं हैंड के कुछ पार्ट में यूज़ करके दिखाऊंगी ताकि आपको डिफरेंस पता चल सके। चाहती तो टेप भी लगा देती, लेकिन टेप से गाइस क्या होता है कि खून उस जगह का रुक जाता है और स्किन अनयूजली ब्राइटन लगती है। तो मैंने सिर्फ नॉर्मल तरीके से इसको अप्लाई किया है नीचे की तरफ। जब हेयर रिमूव करेंगे तो अपवर्ड तरीके से, और जब लगाएंगे तो उसको नीचे की तरफ लगाएंगे, और इस तरीके से स्प्रेड कर लेना है। थिन लेयर लगाओ, ज़रूरी नहीं है बहुत थिक लेयर लगाओ, थिन लेयर में भी हेयर अच्छे से रिमूव हो जाते हैं। इसको रखना है 3 से 6 मिनट, 6 मिनट के बाद आपको इसको बिल्कुल भी नहीं रखना है, जो कि ब्रांड कहती है। और फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हो तो पैच टेस्ट करके ही यूज़ करना, ऐसे डायरेक्ट मत लगा लेना। और अब हो गए हैं पूरे 3 मिनट, और मैं 3 मिनट में ही इसको रिमूव कर रही हूँ क्योंकि मेरी स्किन है नॉर्मल। आप देख सकते हो हेयर रिमूव हो रहे हैं, जिस जिस जगह पे क्रीम लगी है उस जगह पे हेयर अच्छे से रिमूव हो गया है गाइस, और मुझे कोई इरिटेशन नहीं हुई, मतलब कि कोई ऐसे। और एक हाँ चीज़ जो मैं बताना चाहती थी, फ्रेगनेंस बहुत अच्छी है, पहले की तरीके गंदी फ्रेगनेंस नहीं है, और आप हेयर देख सकते हो रिमूव हुए हैं। क्रीम पहले ही क्रीम की तरीके वर्क करती है। खास बात और डिफरेंस ये आया है कि उसमें जो गंदी सी महक आती थी वो नहीं है। कैमरा थोड़ा ब्लर कर रहा है, लेकिन आप देख सकते हो कि इंस्टेंट कोई स्किन वाइटनिंग ब्राइटनिंग नहीं हुआ है, लेकिन हाँ, हेयर रिमूव होने की वजह से स्किन स्मूथ और क्लीन नज़र आ रही है। ये क्रीम आप यूज़ कर सकते हैं, बस फेस पे नहीं यूज़ करना है और प्राइवेट पार्ट्स में नहीं यूज़ करना है। बाकी अगर आप कोई हेयर रिमूवल क्रीम चाहते हो जो बिना फ्रेगनेंस की हो, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। खास बात ये लगी कि इसको यूज़ करने के बाद ज़रूरी नहीं कि आप बिल्कुल ना हो, क्योंकि पहले होता था कि अगर क्रीम लगाई है तो अगर आपने बात नहीं किया तो वो स्मेल आपको आएगी, कोई आसपास बैठेगा तो भी वो फ्रेगनेंस आती है हेयर रिमूवल क्रीम वाली। लेकिन इससे बहुत अच्छी फ्लावरी फ्रेगनेंस आ रही है, तो अगर आपने नॉर्मल कभी इमरजेंसी में यूज़ भी लिया तो आपको नहाने की जरूरत नहीं है। ये क्रीम आप अपनी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग परचेज कर सकते हैं, मतलब कि नॉर्मल, ड्राई एंड ऑयली स्किन के लिए अलग अलग तरीके से आती है ये क्रीम।
सो गाइस, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा है, पसंद आया है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। ये प्रोडक्ट आपने यूज़ किया है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कैसा लगा, जिससे और व्यूअर्स को हेल्प मिले। सो गाइस, मिलते हैं किसी नए प्रोडक्ट के साथ, तब तक रखें आप अपना ख्याल, टेक केयर।